हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग हब। सब्सक्राइब द चैनल। द क्वेश्चन इज फिफ्थ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5। द क्वेश्चन इज अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपसे कहा है कि एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है जो कौन सी किस हाइट पर जाके गिर गया, टूट गया। 5 मीटर की हाइट पर वो टूट गया। टूटने के बाद वो नीचे गिरा, और जब नीचे गिरा उसका जो टॉप था, ये जब नीचे गिरा इट्स टॉप टचेस, ये तो गिरा, तो इसका जो टॉप पार्ट है वो टच हुआ फ्रॉम द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ट्री का बेस क्या है, ये है, तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है बोला है उसने, 12 मीटर बोला है, तो हमने इसको नाम दे दिया ए, बी, और ये क्या कर दिया हमने, सी कह दिया, और ये हमने सी डैश कर दिया। तो हमने क्या करना है, अब इसकी ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। तो फॉर दैट वी कैन सी दैट दिस इज अ, इट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड हियर वी कैन यूज़ दैट प्रॉपर्टी, दैट इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग Pythagoras property we can find original height। हम original height find कर सकते हैं इसकी। तो for that you can see here the triangle। तो हमें पता है Pythagoras property क्या है आपकी, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square। तो हमारे पास हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, दैट इज़ योर ए सी, वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आपका बी सी है, बी सी कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस बेस आपका कितना है, ए बी आपका 12 मीटर है, 12 मीटर स्क्वायर, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 से 25 मीटर स्क्वायर, प्लस 12 × 12 कितना आ जाएगा आपका 144 मीटर स्क्वायर। दोनों को सम करेंगे तो सम करने पर हमें कितना मिलेगा, सम करने पर कितना आएगा, ये 169 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा ए सी से, तो ये अंडर रूट 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, है ना। ए सी इक्वल्स टू 13 मीटर × 13 मीटर, तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो गया, 13 मीटर। ये तो सिर्फ अभी ये वाला हाइट आई है ए सी, ये वाला पता चला है आपको ए सी, लेकिन हमें तो ये भी पता करना है ना, ओरिजिनल हाइट भी तो पता करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, व्हाट यू विल डू, हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल हाइट, ठीक है। ओरिजिनल हाइट क्या है आपकी, बी सी प्लस सी सी डैश। तो ओरिजिनल हाइट जो है हमारी बी सी प्लस सी सी डैश है। तो हमें पता है कि जो हमारा बी सी है वो है हमारा 5 मीटर, ठीक है। और हमने देखा था कि जो ये वाला पार्ट है आपका, ये क्या हुआ था, गिर चुका था। तो जब मैं इसको वापस खड़ा करती हूँ, तो ये जब खड़ी होएगी ये वाली लाइन, तो ये कंप्लीट इसकी हाइट बता देगा। और जो हमारा एसी निकल के आया वो कितना है, 13 मीटर। क्या हुआ था, ये वाला पार्ट गिर गया था, ये गिर गया ना, ये नीचे गिरा, तो जब ये वापस खड़ा करेंगे, जो ये निकल कर आया वो कितना था, ये हमारा 13 मीटर आया। तो जब ये वापस खड़ा होगा तो ये 5 है और ये 13 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 18 मीटर हो जाएगा। तो दिस इज़ योर ओरिजिनल हाइट ऑफ अ ट्री, ओके।